हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शरकत और आज मैं डिस्कस करूंगा ये होम्योपैथी मेडिसिन जिसका नाम है सायाटिका प्लेक्स। ये ऑर्गेनॉन कंपनी का बना हुआ है। इसका नाम ऑर्गा सायाटिका प्लेक्स। और इसका यूज़ कैसे होता है, किस काम के लिए होता है? यूज़ फॉर रिलीफ ऑफ सायाटिक पेन। ये सायाटिक पेन जो होता है कमर से, पैर के पीछे से होके, पैर का नीचे तक आते हैं। ये कमर से एक सायाटिक नर्व है जो हम लोग का कमर से पैर की उंगली तक जाते हैं। कमर का पीछे से उतर के, ये पैर का पीछे से होके, काफ मसल से ऊपर होके, अपना एंकल होके उंगली तक जाते हैं। ये सायाटिका पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका जो इंडिकेशन लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारी खूबियाँ इसका लिखा हुआ है। फॉर्मिकेशन एंड पेन इन लेग्स, पैर में चिट्टी काटने जैसा दर्द एंड दर्द होना। क्रैम्प लाइक ड्राइंग पेन अलोंग द सायाटिक नर्व, कमर से पैर तक अगर क्रैम्प लाइक ड्राइंग पेन, खींचाव रहते हैं, कुछ ऊपर में खींचा हुआ, कफ मसल पे खींचा हुआ पेन होता है। जैसा हम लोग बोलते हैं पकड़ लिया, ऐसे बोलते हैं खींच लिया, पकड़ लिया, ऐसा एक पैर का कमर और पैर का पीछे पार्ट में, थाई में, काफ मसल में होता है। इसको सायाटिक नर्व एंड ऑल्सो सायाटिका ड्यू टू प्रोलैप्स ऑफ वर्टिब्रल डिस्क। कभी कभी किसी आदमी को देते कमर में चोट लगने के वजह से उसका कमर का जो वर्टिब्रा होता है वो प्रोलैप्स होता है, वो अपने जगह से हिल जाते हैं। इसके लिए इसको कहते हैं वर्टिब्रल प्रोलैप्स, प्रोलैप्स वर्टिब्रा। इस दर्द को कम करने के लिए ये दवाई इफेक्टिव है। ऑल्सो इफेक्टिव पैलिएटिव एंड एडजंक्ट मेडिसिन फॉर वेरियस नर्वस इन्वॉल्वमेंट्स। यानी और भी कोई नर्वस प्रॉब्लम के लिए, और कोई नर्व इंजुरी के साथ साथ ये काम आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कमर का सायाटिक नर्व पे ही ये काम करेगा, ये दूसरे नर्व इंजुरी पे, दूसरे कहीं नर्व पेन में भी ये दिया जा सकते हैं। तो इसका डोज क्या है? इसका डोज 20 बूंद थोड़ा सा हाफ कप पानी में मिला के 3-4 टाइम आपको ले सकते हैं। 20 बूंद दवाई हाफ कप पानी में मिलाकर आप इसको खाना है दिन से 3-4 बार। ये GMP कंपनी है जिसको कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी एक अच्छी कंपनी है, रिप्यूटेड कंपनी है। और इसका MRP है 58 रुपीज़। यानी ये दवाई बहुत ही सस्ते दवाई है सायाटिका प्लेक्स के लिए, सायाटिका प्लेक्स, सायाटिका पेन के लिए। अब इसका जो कॉम्पोजिशन, उसमें कौन कौन सी दवाई इसमें मिला हुआ है उसको हम देखते हैं। इसमें जो है कोलोसिन 3X बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है दर्द के लिए। फिर है इसमें नेफेलियम 3X, भिस्कम एल्बम 1X, नेप्थलिन है 3X, स्पायरेंथस 3X है, निकटेंथिस आर्बो है मादर टिंचर फॉर्म में, कैलिम्योर जो कि बायोकेमिक मेडिसिन है वो 3X पावर में, एसिटालिनम है 4D यानी सेंटीमल पावर में, डेसिमल पावर में, कैलिब्रोम है 3X पावर, ट्राइचुरेशन है इसमें पाउडर फॉर्म में है,
और है वर्टेक्स, वो मादर टिंचर है, और है हाइपेरिकम मादर टिंचर, यानी 1, 2, 3 मादर टिंचर है और 3x है, 1, 2, 3, 4 चार 3x मिला हुआ है, और 2 है ट्राइचुरेशन यानी पाउडर। ये सब दवाई मिला के ये दवाई बना गया है ताकि ये साइटिका किसी भी कारण में हो, कोई भी कारण में हो, ये उसका तुरंत रिलीफ देगा। किसी भी कारण में कमर दर्द हो या दूसरा नर्व पेन हो, ये साइटिका फ्लेक्स उसको तुरंत रिलीफ देगा, और इसका कीमत भी बहुत कम है, तो कोई भी इसे खरीद के सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक डिजीज हो तो ऑफ कोर्स डॉक्टर के साथ सलाह करके लेना चाहिए, क्योंकि ये टेम्पोररी रिलीफ के लिए, ये दवाई सिर्फ दर्द को कम करने के लिए, इसका साथ साथ आपको पूरी तरह ठीक होने में आपको ट्रीटमेंट करते जाना होगा किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके। ओके, अगर आप लोग को और भी कुछ सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।